बच्चिया की घर की ग्वार चिराग पास पास का बने हुआ है और आप लाइव देख पा रहे हैं लगुड़िया का पकड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए हीरो 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 समय का अभाव है, लंबा कार्यक्रम है और बहुत ज्यादा प्रदान करना है। आज अट्ठाईस तारीख को जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसके जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसकी जो जानकारी सामने आ रही है एक बात तय है कि एक तरफा माहौल है बिहार फर्स्ट बिहार फर्स्ट। जितने लोग जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं सबकी एक तरफा बहुमत से जीत हो रही है और इसीलिए ये जानकारी आज आप लोगों को यहाँ पर देने आया हूँ कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया है बिहार को फर्स्ट बनाने का बिहारियों को फर्स्ट बनाने का उस संकल्प में अगली तीन तारीख को आप लोगों की तरफ से एक महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है। तो आदमी बैठ गया अगली तीन तारीख को साथियों ये चुनाव बिहार विधानसभा के ये चुनाव बिहार के अगले 50 साल का भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। ये चुनाव निर्धारित करेंगे कि बिहार में 50 साल में विकास क्या होगा कैसा होगा। पिछले 30 साल एक 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 करके हम लोगों ने 30 साल बर्बाद किए। पहले 15 साल में हम लोगों ने जंगल राज देखा और उसके 15 साल हम लोगों ने कुशासन राज देखा और साथियों वक्त है जवाबदेही को तय करने का। अब वक्त है जवाबदेही तय करने का कि क्या कारण है भैया कि बिहार में आजादी के 73 साल के बाद भी आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था रोजगार की व्यवस्था क्यों इतनी बदहाल है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों से बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए रोजगार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बिहार में शिक्षा की बदहाली देख लीजिए। बताए मेरे जितने तमाम नौजवान युवक हैं कितने साल में भैया डिग्री मिलती है हम लोगों को? कितने साल में? 5 साल 6 साल और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल 3 साल की डिग्री 5-5 साल 6-6 साल क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं भैया कि कोई युवा पढ़ ले जाए। युवा विरोधी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की। जानते हैं कि अगर यहाँ का युवा पढ़ लिख गया तो मुख्यमंत्री से सवाल करेगा जैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल। डिग्री आपके हाथ में देना नहीं चाहते क्यों? क्योंकि अगर डिग्री ले ली तो उसके बाद रोजगार मांगेगा। कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार देने के लिए? आप लोग जानते हैं ना मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि बिहार में कोई कारखाना नहीं खुल सकता। जानते हैं ना बोलते हैं मुख्यमंत्री कि बिहार में समुन्दर का किनारा नहीं है इसलिए कारखाना नहीं खुलेगा। भैया पंजाब में भी नहीं है हरियाणा में भी नहीं है राजस्थान में भी नहीं है मध्य प्रदेश में भी नहीं है पर अगर वहां पर जाकर बिहारी अगर काम कर सकता है रोजगार कर सकता है तो बिहार में क्यों नहीं कर सकता? जवाब दे मुख्यमंत्री। युवा बिहारी जिंदाबाद। साथियों इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मैं लेकर आया हूँ जिसमें शिक्षा व्यवस्था रोजगार नहीं मिले। कोई कारण नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती। क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? लॉकडाउन में याद है ना किस तरीके से बच्चे कोटा में रो रहे थे वापस आने के लिए पर मुख्यमंत्री ने लाने से साफ मना कर दिया। कैसे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कर हम लोग के साथ ही पैदल दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र गुजरात से चलने के लिए मजबूर हुए पर मुख्यमंत्री ने उनको बिहार की सीमा में लेने से मना कर दिया। याद है ना ये सब?
और ये याद भी रखना है साथियों, जो दुख की घड़ी में हमारा नहीं हुआ, आज ये मौका है कि उस व्यक्ति को बताएं, नीतीश कुमार जी को बताएं कि भैया उस वक्त कहां थे आप जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। उस वक्त मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे। आज साथियों जब प्रधानमंत्री आते बिहार, पता है ना भी दो दिन पहले आए थे, जानते हैं? तो जब प्रधानमंत्री आते हैं बिहार तो क्या बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री, बताइए क्या क्या बातें बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि गांव में, बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली, नहीं बनी? नहीं बनी? हाँ चाची, नहीं बनी? अच्छा चलिए, कम से कम हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? नहीं आया चाची? नहीं आया? पर प्रधान मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि हम नली गली बना दिए, हम नल का जल बना दिए, ये सब प्रधानमंत्री को बोले हैं भैया? झूठ बोले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले? अच्छा चलिए, कम से कम सात निश्चय में भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ? भ्रष्टाचार नहीं हुआ सात निश्चय में? हुआ? किसने किया? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया सात निश्चय में। तो जो इतना भ्रष्टाचारी हो उसको कहाँ भेजना चाहिए भैया? जेल में। नीतीश कुमार जी को जेल भेजना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि वो जेल जाए? मुख्यमंत्री जेल जाए? तो चलिए साथियों ये वादा आप है बाकी खराब मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना? खराब मिलती है कि नहीं? आराम से मिल जाती है कि नहीं? और तो और रसूलदारों के तो घर में होम डिलीवरी तक होती है। तो साथियों बताए मुख्यमंत्री कि भैया ये जो तस्कर बने हैं नए, ये तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? मुख्यमंत्री की, नीतीश कुमार जी की, तस्करी का पैसा उनकी जेब में जाता है ना, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों जो मुख्यमंत्री बिहारियों से झूठ बोलता है, जो मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बजाय अपने विकास की चिंता करता हो, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की चिंता करता हो, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? जो मुख्यमंत्री भाई को भाई से लड़वाने का काम करता है, हम लोगों को जाति में बांटने का काम करता है, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, भैया मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश के साथ लेकर चलने की। बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात का धर्म नजर चलेगा। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में आई नहीं आएगी, जब तक हर गरीब व्यक्ति खुद कमाकर खाने के लायक नहीं बनेगा, तब तक बिहार का समुचित विकास नहीं हो सकता। और ये सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप लोग लेकर आता है। कैसे यहाँ पर रोजगार मिले, कैसे यहाँ पर आईटी सेक्टर्स खुले, कैसे आईटी जॉब मिले, कैसे यहाँ पर निवेश आए, कैसे यहाँ पर फैक्ट्रियां खुले, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आते हैं। साथियों आज अब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर माताएं मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि दो दिन पहले मैं सीतामढ़ी गया था माता सीता के दर्शन करने। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है, और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी है, और भगवान राम माता सीता बिना अधूरी है। इसीलिए साथियों मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना ही भव्य मंदिर माता सीता का पिता बनने वाला है। साथियों इससे मेरी आस्था तो जुड़ी है, पर सोचिए एक एक करके जितने पर्यटक स्थल है बिहार में, अगर उनको विकसित कर दिया जाए
तो बिहार में राजस्व कितना बढ़ेगा, जितने पर्यटक स्थल हैं अगर उसमें लोग उपनिवेश कर लिया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं पर होटल खुलेगा, रिजोर्ट आएगा, यहीं पर ही बिहार का युवा कमाएगा खाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सोच के साथ छाप क्या होगा बहुत अच्छा, और उसके सामने नाम क्या होगा, साथी सुरेश भगत जी का नाम होगा, साथियों एक एक वोट जो सुरेश भगत जी को जाएगा वो सीधा चिराग पासवान के पास आएगा, और वो आप लोग का आशीर्वाद है तो इनको विजय की माला पहना दी जाए, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।